Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning. आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अरम काजमी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय तो कर ही रहे होंगे, साथ साथ सियासत के मैदान से जितनी भी खबरें हैं वो आपको परेशान भी करती होंगी, क्योंकि अब NA 120 का जो रिजल्ट था, जो नतीजा था, वो तो आ चुका है। लेकिन उसके बाद अब शरीफ खानदान के लिए एक और मसला आकर खड़ा हो गया है, वो है एहतसाब अदालत में पेशी के हवाले से। क्योंकि नैब में जो रेफरेंस दायर किए गए हैं उनके खिलाफ, तो उनका शुरू से स्टांस यही है कि हमें अदालतों का सामना नहीं करना, हमें अदालतों में नहीं जाना। तो अब देखना यह है कि शरीफ फैमिली से कोई भी वहां पर जाता है, वहां पर हेयरिंग के दौरान मौजूद होता है या नहीं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और बड़ा मसला, एक और बड़ा इशू जो कि हमारे असाज़ा के हवाले से है। किसी भी कौम की तामीर और तरक्की के लिए असाज़ा का एक अहम किरदार होता है, एक अहम रोल होता है। जहाँ पर हम बात करते हैं टीचर की, तो हमारे जहनों में तालीम और हमारे जहनों में आदात, अतवार, महज़ब मुआशरा और इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी टीचर्स को सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए देखा है? क्या कभी आपने किसी मुआशरे में ऐसा देखा है कि पुलिस फीमेल टीचर्स के ऊपर वाटर कैनन फेंके, पुलिस इन लोगों को मारे, पुलिस इन लोगों को पीछे धके? और ये टीचर्स, ये असाज़ा एहतजाज कर रहे हैं किस चीज के लिए? अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं। 5 साल हो गए हैं इन असाज़ा के मुताबिक इनको तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। इसके पीछे क्या वजह है? सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है या फिर बहुत बड़ी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? रिक्रूटमेंट के मसले हैं, तनख्वाहों के मसले हैं, घोष मुलाजमीन के मसले हैं? इस सारे इशू पे आज हम गुड मॉर्निंग आज में बात करेंगे। साथ साथ म्यूजिक के हवाले से भी आपको बैटल ऑफ द बैंड के कश्मीर बैंड से भी मिलवाएंगे और साथ साथ हम आपको टॉप स्टोरीज के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल जनाब, आज बहुत सी अहम स्टोरीज हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो बात हम इसी हवाले से करेंगे कि बाहर तो इस वक्त ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जैसे शरीफ खानदान के लिए कानूनी महाज पर मुश्किल मजीद बढ़ती जा रही है और फिलहाल कोई ऑप्शन भी हमें नजर नहीं आती, क्योंकि ना तो इस वक्त नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क में है और ना ही उनके बच्चे इस वक्त मुल्क में मौजूद है। इससे पहले भी जितनी बार हमने देखा कि ये तमाम सूरत हाल रही है, जितनी बार भी पेशी के लिए जो है वो उन्हें बुलाया गया है, तो हर मरतबा उन्होंने ये कहा कि जब तक रिव्यू पिटिशन जो है वो उसकी अपीलों की समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि रिव्यू पिटिशन का सिलसिला भी जो है वो भी सेट हो चुका है और अदालत की जानिब से वो तमाम पिटिशन जो है रद्द भी कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अब नवाज शरीफ का मौकफ यही है कि हम एहतसाब अदालत में पेश नहीं होंगे। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद इस वक्त अदालत के पास क्या ऑप्शन बचती है कि अगर फिर से वो पेश नहीं होते तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या किस किस्म की कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी, इस सब पर जो है वो आज बात की जाएगी। साथ ही साथ जिससे कि आज सब ने डिस्कस किया कि कल हमने देखा कि प्रेस क्लब के बाहर एक मैदान जंग बन गया था, असाज़ा जो कि हमारे डेफिनेटली हमारी कौम के बहुत बड़े मेहमान होते हैं, हमारे रहनुमा होते हैं, हमारे गाइड होते हैं, उन लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, जिस तरह से मारपीट की गई, एक बहुत ही बड़ा अलमिया है ये कि उन्हें इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा। आज इस पर भी बात करेंगे कि आखिर आए रोज इस तरह के वाकयात क्यों पेश आते हैं, असाज़ा क्यों अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आते हैं, उनके मामलात के लिए कोई प्रॉपर हल, कोई एक प्रॉपर रास्ता क्यों अब तक नहीं निकल पा रहा, इनके मसाइल आखिर कौन सुनेगा, उनका सोल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा, एक तो इस पर भी शो में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि स्टेट बैंक की जानिब से बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के हवाले से जो है वो एक हमने स्टोरी देखी कि उन्होंने इस हद को बढ़ा दिया है और बात की है, और लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 10,000 बढ़ाने के बाद अवाम को और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। तो क्या सूरत हाल है, बढ़ाने के बाद भी अमाउंट कम रखी गई है, इस पर जो है आज के शो में बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आसिफ करमानी और इस्लामाबाद से वो हमारे साथ हैं, उन्हीं सर जो उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे उनसे मजीद। सबक क्या बात करेंगे हम जी, आपको बताएं कि आसिफ करमानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आवाज ही सही नहीं आ रही मुझे सर जी। आसिफ करमानी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस हवाले से वो क्या बात कर रहे हैं आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी हम नजर डाल लेते हैं हमारी टॉप स्टोरीज के ऊपर। नैब रेफरेंसेस की समाप्त के लिए शरीफ खानदान आज एहतसाब अदालत में तलब, शरीफ फैमिली का पेश न होने का फैसला, क्या अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी?
कराची में तनख्वाहों का मुतालबा करने वाले स्कूल साथियों पर पुलिस का तशद्दुद, साथियों को उनका हक भी दिया जाएगा या सिर्फ लाठियों से खातिर तबाही की जाएगी। स्टेट बैंक ने बैरून मुल्क सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए साथ रकम रखने की हद बढ़ा दी। अब शहरी 10,000 रुपए नकद ले जा सकेंगे। हद में इजाफे से क्या वाकई मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी? चले जनाब, ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अब कुछ बात कर लेते हैं आज के अखबारात की शह सुर्खियों की, और ओवरऑल जब हमने एक व्यू किया अखबारात के हवाले से, तो उसमें कल से लेकर अब तक एक वही सियासी हलचल है। कल से लेकर अब तक कोई यानी 120 के हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ खबरें जो है वो बैन अल-अक़वामी तौर पर हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स के हवाले से हैं। अच्छा, रोहिंग्या मुस्लिम्स के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं, और वो खबरें ये हैं कि हम लोग जब भी रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात करते हैं तो एक कन्फ्यूजन सी है कि जी आन सान सूची जी जो है वो क्यों आँखें बंद करके बैठी हुई हैं, किस की क्या वजह है जो वो जनरल असेंबली से खिताब नहीं कर रही हैं। तो उसमें बहुत सारे उनकी अपनी जो अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनका यही कहना सामने आया है कि जी वहाँ पर जो उनकी जो मिलिट्री है यानी वहाँ पर जो उनकी आर्मी है बहुत सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं, तो आंग सांग सूची के कंट्रोल में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। गो के वो आज खिताब करेंगी, अपनी कौम से बात करेंगी, और काफ़ी लोगों से आम मुलाकातें भी उनकी मुतवक्के हैं। तो देखना यह है कि अब वो क्या करती हैं। और ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा मसला हो रहा है, मुसलमानों के साथ इतना ज़्यादा नार्वा सलूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जाकर वो वहाँ पर दौरा नहीं कर रही हैं, तो क्या वो जाएंगी आंग सांग सूची जी रोहिंग्या मुसलमानों की हालत इजार जानने के लिए? एक और चीज़ भी, एक और पहलू भी सामने आया है कि बर्मा जो है वहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि अगर रोहिंग्या के मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी शनाख्त को उस शनाख्त के अंदर मर्ज कर लें तो फिर उनके लिए कुछ बेहतर हालात पैदा हो सकते हैं। तो एक तो खबर ये है, दूसरी खबर अनम के पास बिजनेस रिकॉर्डर में क्या है ये जानते हैं। बिल्कुल जनाब, आज पहले तो सबसे अहम और बड़े केस की समाअत के हवाले से आपको बताएं कि नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत आज होने जा रही है। एक इंतहाई अहम केस है, और सूरत हाल कुछ यूं है कि जो क़यादत है मतलब शरीफ फैमिली जो है इस वक्त नवाज शरीफ और उनके बच्चे समेत कोई भी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, और उन्हें आज अदालत में तलब किया गया है। तो एक तो अहम खबर यहाँ पर ये मेंशन है। दूसरी खबर जो है वो बेनज़ीर कत्ल के हवाले से है। आपको बताएं कि उनके खिलाफ जो अभी ही फैसले आए थे उस फैसले को भी चैलेंज कर दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। आसिफ अली जरदारी ने जो है वो कुछ अपीलें दायर की हैं जिसके बिना पर इस केस को चैलेंज किया जा रहा है। अच्छा, अहम एक और खबर जो आज की बड़ी खबर है वो ये कि वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं, और 3 रोज़ा उनका ये दौरा होगा। और इस 3 रोज़े दौरे के अंदर उन्होंने बहुत से अहम बयान जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से भी, ट्रंप की पाकिस्तान के जो सख्त मौक़िफ़ थे उसके हवाले से भी, और अफगान पॉलिसी के हवाले से भी जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है उसको सामने रखा जाएगा, और ख़िताब जो है वो उनकी जानिब से पहली बार किया जाएगा शाहिद ख़ाकान अब्बासी की जानिब से, जो कि आज यहाँ पर मेन खबरें लगाई गई। ठीक है, जुमेरात को वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाकान अब्बासी ख़िताब करेंगे जनरल असम्बली से, और बहुत सारे ऐसे भी ममालिक हैं जिनके सरबराहान जो हैं वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जिसमें व्लादिमीर प्यूटन है और साथ साथ आंग सान सूची जी हैं। अच्छा, और एक और जो नैब के रेफरेंस के हवाले से जो खबर है उसमें यही है कि अगर शरीफ फैमिली की जानिब से कोई नहीं पेश होता है तो डेफिनेटली फिर ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा सकते हैं, या फिर मजीद जो है वो मुश्किलात बढ़ जाएंगी नून लीग के लिए। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुदैबिया पेपर्स मिल का मामला है जिसमें शहबाज शरीफ और साथ साथ इसहाक डार साहब का भी नाम है, तो घेरा जो है वो तंग होते जा रहा है। जहाँ पर इन्हें 120 में कामयाबी हासिल की है शरीफ फैमिली ने, वहीं पर जो ये मुकदमात हैं इनमें जो हेयरिंग्स चल रही हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के एसेसिनेशन के हवाले से भी खबर मेंशन की है बिजनेस रिकॉर्डर में, जिसमें पीपल्स पार्टी चैलेंज ATC वर्डिक्ट, यानी कि पीपल्स पार्टी ने जो है अपना जो वर्डिक्ट था उसको चैलेंज किया, और उस हवाले से मजीद डेवलपमेंट करने की उन्होंने कहा है कि ज़रूरत महसूस हुई है उनको। और दूसरी जो खबर है यहाँ पर वो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से है कि मिफ्ता लाइकली टू रिप्लेस डार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो बिजनेस रिकॉर्डर ने इसको अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया है कि द गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू अपॉइंट मिफ्ता इस्माइल एज एडवाइज़र द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, यानी कि पहले भी मिफ्ता साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉपरली इसहाक डार साहब ने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि जी मेरा पोर्टफोलियो इनको दे दिया जाए। तो ये एक अहम खबर है, और नून लीग के अंदर भी जो है अब जोड़ तोड़ का काफ़ी सिलसिला जारी है, पोर्टफोलियोज भी शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, अगर ओवरऑल मजीद बात की जाए तो यहाँ पर बिजनेस रिकॉर्डर में एक पिक्चर पब्लिश है, और ये पिक्चर जो है ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्सटाइल के हवाले से यहाँ पर पब्लिश है। यूके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्रेड पॉलिसी के हवाले से यहाँ पर एक इजलास है, एक मीटिंग है जिसकी लिए ये पिक्चर पब्लिश की गई है। तो ये जो है आज की अहम खबरें हैं, और इन खबरों में अगर हम ओवरऑल हम बात करें
तो आज की जो इम्पोर्टेंट हमारी खबर है या कल भी जो हमारी एक इम्पोर्टेंट खबर रही जो कि आज न्यूज जिसके ऊपर बड़ी डिटेल में अपने नाज़रीन को आगाह करता रहा, वो टीचर प्रोटेस्ट के हवाले से खबर है जिसमें जितने भी टीचर्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मद्धम हो रहे हैं। उसमें देखते हैं कि सिंध हुकूमत जो है बड़ी बुरी सूरत हाल है, इसको हैंडल करने में जो है बहुत ज़्यादा आगे चलकर बात करेंगे। अखबारों की कुछ अहम खबरें जो है वो आपके साथ जरूर शेयर करते चलें कि इमरान खान जो है वो आज हैदराबाद में जल्द से खिताब करेंगे, एक बार फिर से अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए मैदान में निकले हैं और आज हैदराबाद में जो है वो इस सियासी दंगा सजेगा। दूसरी जानिब उन्होंने चौधरी निसार के भी एक बयान की बड़ी हिमायत की और उस पर इजहार किया है कि मुझे बड़ी खुशी है कि चौधरी निसार ने कहा है कि मरियम की क्या अहलियत है, मरियम की क्या काबिलियत है। अच्छा जनाब, उसके अलावा आपको मरियम नवाज के हवाले से भी बताएं कि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त वालिदा की अयादत के लिए लंदन पहुंच चुकी हैं। तो ओवरऑल ये पूरी फैमिली जो है वो इस वक्त लंदन में मौजूद है और यहाँ पर केसेस की समाअत हो रही है, सिचुएशन बड़ी ही क्रिटिकल है। खैर आगे बढ़ते हैं और जनाब मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं जिसमें सबसे पहले हम बढ़ेंगे, मेरा ख्याल इस्लामाबाद की जाने बढ़ेंगे हम आज, लाहौर में मेरा ख्याल हमारी नुमाइंदा हुमा बट लाइन पर मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सियासी और सामाजिक सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी हुमा बट अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियासी और समाजी सरगर्मियां तो होंगी लेकिन पहले मैं जिक्र कर लेती हूं पोलियो कैंपेन का। पंजाब भर में पोलियो कैंपेन जो है उसका आगाज कल से कर दिया गया है लेकिन लाहौर में नहीं हो सकी थी ये पोलियो कैंपेन क्योंकि NA-120 के 22 जो इंतखाबात थे उसके 22 ये मुहिम जो है वो रोकी गई थी लाहौर में क्योंकि इंतजाम जो है वो मुकम्मल नहीं किए जा सके थे। तो आज से ये कैंपेन जो है लाहौर में भी उसका आगाज़ कर दिया गया है। तो लाहौर की तमाम यूनियन काउंसिल्स में आज 47,000 के करीब जो टीमें हैं वो पोलियो के कतरे पिलाएंगी। ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल 1,80,00,000 के करीब बच्चे हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाए जाने हैं जबकि उनमें लाहौर के जो हैं वो 1,50,000 के करीब बच्चे हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आज एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है और ये 3 रोज़ तक 21 सितंबर तक ये कैंपेन जो है वो जारी रहेगी। अगर मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बता दूं तो अभी इस रवां साल में सिर्फ 3 बार ये कैंपेन की गई है और इसमें दावा तो महकमा सेहत की तरफ से ये किया जा रहा था कि पंजाब में किसी किस्म का कोई केस नहीं है पोलियो, तो इस वजह से ही कैंपेन जो है वो नहीं की जा रही। लेकिन अगस्त में जैसे ही है मोदरा में एक बच्चे में, आपका बहुत शुक्रिया, लाहौर में पोलियो का एम्फास कर दिया गया है और 21 सितंबर तक ये कैंपेन जो है वो जारी रहेगी। और पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं पोलियो केसेज के हवाले से अगर बात की जाए, पोलियो टीम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी ओवरऑल जितनी भी टीम्स रही हैं खासतौर से जो नॉर्दर्न एरियाज हैं खैबर पख्तूनख्वा है फाटा है यहाँ पर पोलियो टीम्स ने जाकर जिस तरीके से खिदमात सर अंजाम दी है काबिले जिक्र खिदमात है। इनकी टीम्स पर फायरिंग भी होती रही, बहुत ज्यादा लोगों ने इनके साथ कॉपरेट भी नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी आज हम कामयाबी से पोलियो के मसाइल से निमट रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद का रुख करते हैं और देखते हैं कि इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे हमें क्या बता रहे हैं, इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं। जी गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग जी, क्या खबरें हैं आज शहर इख्तदार से? जी बिल्कुल, दिन गुजरते हैं शहर इख्तदार में नई खबरें होती हैं। जब से हमने सहाफत शुरू की है कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई नया सियासी जलसा कोई नए सियासी मुहिम यहाँ शुरू ना हो, हर तरफ यही सिलसिला नजर आता है। आज भी इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में नैब की तरफ से जो शरीफ फैमिली के खिलाफ जो रेफरेंस है उसकी आज नैब की जो एहतसाब अदालत है उसमें समाअत जारी है। शरीफ फैमिली की तरफ से आज भी कोई पेश नहीं हुआ जबकि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि जो तमाम जो दस्तावेजात हैं वो जमा करवा दी गई हैं और उनके घर पे जो नोटिस जो है वो भी समन भिजवाया गया था। इसके साथ साथ कौमी असम्बली का आज इजलास भी है, इलेक्शन कमीशन में आशिया गोलालई का केस भी है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी मामूल के केसेस हैं। तो इस तरह मजमू तौर पे शहर इकतदार में आज भी वही सियासी गेमा गेमी के साथ कुछ नैब की तरफ से जो रेफरेंसेज हैं उन पर जो है वो आज समाज जारी है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद का मौसम भी गर्म है, सुबह ही तेज धूप निकली है और महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि अगले चंद दिन तक मौसम भी ऐसा रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे शहर इक्तदार से और शहर इक्तदार में तमाम तरफानियां जो है वो तो अपनी जगह लेकिन मौसम की भी बात उन्होंने की है वो पूरा मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में ही जो है इस वक्त मौसम काफी गर्म है, लाहौर से भी और कराची से भी हम आपको बताते चले कि लाहौर इस वक्त काफी ज्यादा गर्म और मरतूब रहने की ही खबरें सामने आ रही है। यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब अखबारों में खबरें क्या क्या थी ये तो हमने जानी, लेकिन अखबारात में आज कौन कौन से मौजूद जेरे बहस है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नफीस सईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं नफीस साहब? क्या लिख रहे हैं दारिया आज? वैसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? आपकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल आया हुआ है? नहीं, मुस्कुराहट तो है लेकिन एक बड़ा संजीदा नौयत का ये एक कॉलम है। अच्छा, ये जरार खोड़ो साहब ने डॉन में लिखा था गुजर, लेकिन ये उस हवाले से है जो हम देखते थे ना इंटरनेट, कितना वालदैन को लिए बड़ी आसूदगी थी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन का जरिया है, लेकिन कुछ कंसर्न भी थे। लेकिन अब इस ज्यादा संजीदगी और ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये आ गई है कि एक ब्लू व्हेल चैलेंज के नाम से गेम, जिसको आप जानते हैं कि बहुत तमाम ममालिक में, खासकर यूरोप में और रशिया में कहा जा रहा है कि 80 से 130 टीनेजर्स ने सुसाइड की है इस गेम की वजह से, इस खेल की वजह से। ये क्या है कि 21 साला उसकी, ये इसका ये उठा भी जो है रशिया से हुआ, 21 साला एक ब्यूटिकन तो उसने, 21 साला नौजवान था, उसने ये गेम ईजाद किया और उसका फलसफा यही है कि ये जो है ना बायोलॉजिकल वेस्ट है इंसान, और मैं इन टीनेजर्स को जो है ना इस मुल्क से, इन दुनिया से साफ कर दूंगा। एक सिक पर्सन जिसे कहते हैं उसने, और ये गेम क्या होता है कि इसमें ये कि आप 50 मराहल दिए जाते हैं, 50 दिनों में इसका फैसला होता है और चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं टीनेजर्स को कहा जाता है, और बड़े सेलेक्टिव लोगों को चूज किया जाता है, वो लोग जो आइसोलेट होते हैं, जो माशरा जिनको रद्द कर देता है या वालदैन तवज्जो नहीं देते बच्चों पर, उनको ये जो जिन्हें क्यूरेटर्स कहा जाता है, इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को, वो क्या, हालांकि जो असल जो ये है जो इसका इन्वेंटर वो तो जेल में है इस वक्त, लेकिन दूसरे लोगों ने इसका एडमिनिस्ट्रेटर संभाल लिया। और इस गेम का मसला ये है कि इसको ब्लॉक भी नहीं किया सकता, कि मुख्तलिफ नामों से ये गेम, सी ऑफ वेल्स के नाम से है, साइलेंट हाउस के नाम से है, वेक मी अप एट 4:20 AM के नाम से है, यानी कि आप एक अगर साइट बंद करते हैं तो दूसरी जगह, क्योंकि ये जो है ये डेथ ग्रुप्स, असल जो खतरा है वो डेथ ग्रुप्स के जरिए है जो ये गेम चला रहे हैं और उनका टारगेट टीनेजर्स हैं। 50 राउंड्स का ये गेम होता है, मुख्तलिफ चैलेंज दिए जाते हैं कि अपनी बॉडीज पर काफ कर दें वेल को, या किसी बहुत ऊंची इमारत की जाके बाउंड्री पर खड़े हो जाएं, उसकी बैल्कनी में खड़े हो जाएं। इसके बारे में तो ओवरऑल नफीस भाई हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, जरार खोड़ो साहब ने इसके बारे में क्या लिखा है वो जरा बताएं। जरार खोड़ो साहब ने यही कहा है कि इस पूरे गेम में का मतलब ये है कि आप उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो कि हमारे मुआशरे से थोड़े से वालदैन तवज्जो नहीं दे पाते। देखिए इस गेम, इस इनके जो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो क्यूरेटर हैं, उनका मौकफ़ ये है कि वार्मथ आपकी कनेक्टिविटी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वही जो दहशत गर्द जिस जो फलसफा लेके आते हैं, जो एक नैरेटिव लेके आते हैं, वर्गलाते हैं लोगों को, इसी तरीके से ये भी एडमिनिस्ट्रेटर भी इस तरह रलाते हैं और ये ढूंढते हैं ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पर बैठ के गेम खेलें और कहेंगे कि यार मैं अपना डाउनलोड करके गेम खेलना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा डेथ ग्रुप जो है ये बाकायदा उन लोगों को ढूंढता है, उनकी प्रोफाइल बनाता है, और आपने ओके कर दिया तो आपकी जितना सीक्रेट डेटा जो है वो इनके पास आ जाता है, ब्लैकमेलिंग करते हैं। यहाँ पे अभी आपने बताया कि उन्होंने जो ये कॉलम लिखा है, जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, उसके अंदर ये मेंशन किया है ये वो बच्चे हैं जो सोसाइटी से थोड़ा सा आइसोलेट हो रहे होते हैं, जिनको माँ बाप की तरफ से ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, वो कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्या खोड़ू साहब ने ये भी बात मेंशन की है कि वालिदैन को इस सब में क्या रोल प्ले करना चाहिए, किस तरह से अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, किस तरह से उन्हें अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए कि वो अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट ना महसूस करें, कोई इस तरह की गाइडेंस? ये बात कही गई है, बिल्कुल ये बताया गया कि वालदैन नजर रखें कि अगर बच्चा जो है वो थोड़ा तनहाई का शिकार हो रहा है, या आपने उसके बिहेवियर या एटीट्यूड में चेंज देखी है, तो जरूर जो है ना साइकियाट्रिस्ट से जो है ना आप रुजू करें या डॉक्टर्स के पास को लेके जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया में ये बहुत ज्यादा आया, उसके बाद आप पाकिस्तान में भी मर्दान में हमने देखा, दो रुजू करने से भी पहले पहले आप खुद बात करें बच्चे से, काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। ये बात सही कह रही है कि जब आप देखें ना हमारा एक रिलेशन, खासकर हमारा तो हमारे टाइप्स हैं कि हम आपके साथ साइकियाट्रिस्ट के पास तो जब लेके जाएंगे ना, पहले आप तो मुतमईन हो जाएं कि उसके साथ उसकी काउंसलिंग करके उसकी प्रॉब्लम दूर होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर ये होता है ना कि वालदैन को सिर्फ एक ही होता है कि बच्चा मेरा ग्रेड ले आए, हाँ। और उसको छोड़ दिया जाता है उसका ना, ये आप दोस्तों में नजर होती है, जैसे अभी हमने देखा कि कुछ तालीमी इदारों में भी हमारे यहाँ देखा कि शिद्दत पसंदी का रुझान बढ़ा और लोग वो जो तालीम से वाबस्ता लोग थे उनमें ये रुझान बढ़ा, उसकी वजह क्या थी कि वालदैन ने उनसे रबते जो है ना वो अपने महदूद कर लिए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप चाहे वो बच्चा आपका कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी में जा रहा है, लेकिन वालदैन को नजर। यहाँ पर मुझे अपनी जो हमारी जो मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जितने भी केसेस देखने में आ रहे हैं वो मगरबी ममालिक से सुनने में आ रहे हैं या फिर इंडिया से सुनने में आ रहे हैं, ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ पर पेरेंट्स और वालदैन के दरमियान बहुत ज्यादा गैप होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो अगर आप एक मिनट के लिए 2 घंटे भी चुप है तो आपके घर वाले पूछ लेते हैं भाई क्या हो गया। तो मेरे ख्याल में ये हमारे जो सोसाइटी, ये हमारा जो मुआशरा है, उसकी पॉजिटिविटी ये है। अगला इदारिया क्या कह रहा है? अगला
जंग का इदारा है अमेरिका से ताल्लुकात, वज़ीर-ए-आज़म का दुरुस्त मौक़िफ़। ये अभी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी खारजा लेवल पर बड़े मुतहरक हो गए हैं। अमेरिका को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका वो मलबा जो है हम पर फेंक रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो जनरल असम्बली के इजलास में जाने से कबल जो है उन्होंने बरतानिया के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका चाह रहा है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक ख़राब कर ले तो वो उसके लिए ही ख़राब होंगे। पाकिस्तान को अगर उन्होंने इत्तेहादी के दर्जे से ख़त्म किया तो वो उनके अपने मफाद में नहीं होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की जो जंग है वो उसके लिए भी उनके लिए मसला होगा और तजारती ताल्लुक भी उनके मुतासर होंगे, मफादात मुतासर होंगे। इसी हवाले से वजीर खारजा ने भी यही बयान दिया, उन्होंने भी एक अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान का मलबा हम पर मत डालें, अफगानिस्तान का वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए 16 साल रह के अफगानिस्तान में आपने देख लिया कि जंग उसका हल नहीं है, नहीं है। और इदारिया ये कहता है कि अब ये नहीं है कि एक कॉलन पावल एक कॉल करेंगे और पाकिस्तान को मुशरफ के दौर की तरह जो है वो पूरा का पूरा अमरीका अफगानिस्तान की जंग के लिए अमरीका की झोली में डाल दिया जाएगा। अब चेंज हो चुका है और पाकिस्तान जो है, और फिर एक साल ये भी बात की गई है कि अब जनरल असेंबली का इजलास आ रहा है, पाकिस्तान को अपने मौकफ को भरपूर अंदाज में पेश करना है। हमारे पास बड़ी अच्छी मौका है ये कि हम जो अपना नैरेटिव है अब वो दुनिया के सामने रखें कि हम दहशतगर्दी तो हम अपना सामने रखेंगे। और डेफिनेटली इस इजलास में पहली बार वो अपना खिताब भी करने जाएंगे, बहुत से अहम मौजूद हैं। मेरे ख्याल है कि बहुत सॉलिड ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसा स्टैंड है पाकिस्तान का जिसके ऊपर पाकिस्तान बात करने जा रहा है। लेकिन सिर्फ अपना मौकफ सामने रखना जरूरी है या कुछ ताल्लुका जो रिजर्वेशन अमरीका को पाकिस्तान से है उनको दूर करना भी जरूरी है और उसके लिए भी कोई आपको लगता है कि रवाबित होने चाहिए इस तरह के? देखिए पाकिस्तान अमेरिका को तो हमेशा अमेरिका ने डू मोर का ही कहा है और पाकिस्तान की कुर्बानियों से 2.5 लाख फौजी अभी भी हमारा जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुआ है और अगर अमरीका ने हाथ खींचा तो वो मुतासर होंगे। ये दहशतगर्दी के मौकफ को तकवीत देने के मतरदिफ है जो अमरीका करने जा रहा है। और आप जो ये सवाल कर रही है ना, तो पाकिस्तान अभी आप देखें कल की स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि हम जो है वो तमाम टबूज खत्म करना चाहते हैं और हमारा और जो पार्लियामेंटेरियंस है या सियासतदान है उन्हें अगर मैं कहूं कि एक जफ्फी मारी है आर्मी चीफ ने, उसकी वजह क्या है कि हम देखें अफगानिस्तान की में बॉर्डर फेंसिंग आप कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ सारी कार्रवाई आप कर रहे हैं, तो अब हमें अपना मौकफ क्लियर करवाना है दुनिया के सामने। हमें अपना मौकफ ये क्लियर करवाना है कि आपकी जो इंडिया की पॉलिटिकल इंटेग्रिटी आपने वहां पर पैदा करने की कोशिश किया वो ना करें, वो अगर इक्तिसादी मदद करते हैं अफगानियों की तो वो करें, उससे पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असर रसूख आप इंडिया का अफगानिस्तान में इतना ना बढ़ने दें। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और दो इंतहाई अहम एडिटोरियल पर उनसे हम डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं डोंट गो anywhere, stay with us, keep watching, good morning आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। जी जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम नैब रेफरेंस के हवाले से, जिसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। और अहम पेशरफ्त क्या हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के हलका एन ए 120 के इम्तहान में कामयाबी हासिल करके एक मार्क का तो सर कर ही लिया था, लेकिन हुक्मरान जमात के लिए इम्तहान और भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस से मुतालिक नजरसानी की अपील भी मुसरद हो चुकी है और एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान की आज पेशी थी लेकिन वो पेश नहीं हो सके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है साबिक चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट जस्टिस वजीउद्दीन रिडाइट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। बिल्कुल, सबसे पहले तो वजी साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि शरीफ खानदान जो है वो आज उनकी अदालत में पेशी भी है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने 26 सितंबर के लिए एक और समन जो है वो ने जारी किया है क्योंकि वो आज पेशी नहीं हो रहे थे। ये बताएं कि जो रेफरेंसेज हैं, फ्लैगशिप रेफरेंसेज हों, अल अजीजिया स्टील मिल्स के रेफरेंसेज हों या फिर लंदन फ्लैट्स के रेफरेंसेज हों, उनकी प्रोसीडिंग क्या होगी? आपको क्या लगता है कि कितनी सजा हो सकती है और क्या ये बात मुमकिन है कि इससे असासे कौमी खजाने में वापस आ सके? देखें, बात यह है कि जहाँ तक के सज़ा का ताल्लुक है तो वो किस नौयत के ऑफेंसेस इस्टेब्लिश होते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि देर इज़ ए बैटरी ऑफ पीनल प्रोविजंस के जो कि अप्लाई किए जा सकते हैं। अब क्या बात साबित होती है, क्या बात साबित नहीं होती, सज़ा तो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। और जहाँ तक के असासों की वापसी का ताल्लुक है, ऑब्वियसली एक मर्तबा ये इस्टेब्लिश हो जाए कि असासे जो हैं वो लॉफुल मीन से हासिल नहीं हुए और एक्सप्लेनेबल नहीं हैं,
तो उनको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, या कई मरतबा जैसे कि नैब के मामलात में देखा जाता है कि प्ली बार्गेन भी हो जाती है कि असासों को वहीं छोड़ दिया जाता है और कुछ रकम लेकर के मुखमुखा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुखमुखा मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है क्योंकि एसेट्स बेहिसाब हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया में फैले हुए हैं और बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि वो असासे जो हैं उनकी ट्रेल कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ कहाँ से होकर के यहाँ पहुँची है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, प्ली बार्गेन के हवाले से बात की, बिल्कुल मुखमुखा की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। अच्छा, रिव्यू पिटिशन क्योंकि अब मुस्तरद हो गई है तो जजेस के रिमार्क्स जो हैं क्या वो एहतसाब अदालत की कार्रवाई को मुतासर तो नहीं करेंगे? इसके कोई भी रिमार्क्स हों, जहाँ तक के ओरल ऑब्जर्वेशन होती हैं अदालतों की, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। वो सिर्फ अखबार की या मीडिया हाउसेस की जीनत तो बन सकते हैं लेकिन उनका कोई पाबंद नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि जो कि अदालत के रिव्यू के बारे में जो फैसला है उसमें कोई ऑब्जर्वेशन आती है तो यकीनन पाकिस्तान की सारी कोर्टें सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की पाबंद होती हैं और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट भी पाबंद होगी। लेकिन जो ऑफ द कफ रिकॉर्ड हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शंस हैं, उसका कोई पाबंद नहीं है। अदालतें तो छोड़ें, आम आदमी ही पाबंद नहीं है। अच्छा वजीर साहब, एक तरफ हम देख डिस्क्वालिफिकेशन का भी मामला इस तमाम दौरान में देखा जेरे बहस आया है और पहले तो ये बात कही जा रही थी कि जी उन्हें ताहयात ताहल कर दिया गया है, लेकिन अब एक बार फिर से एक नई बहस चढ़ गई है और अदालत ने भी इवन कहा है, उसने रिमार्क दिए हैं कि पैनामा फैसले में कहीं पर भी ये बात मैंशन नहीं है कि उन्हें ताहयात नाहल किया गया है। क्या मतलब है, बात अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, क्या उन्हें ताहयात नाहल क्लियर कर दिया गया है या फिर वो दोबारा से जो है वो इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकेंगे? देखें, ये ऑब्जर्वेशन मेरी निगाह से गुजरी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है क्योंकि उन्होंने मुद्दत का तायुन नहीं किया और ख़ुद आर्टिकल 62F जिसके मातहत ये पनिशमेंट हुई है उसमें भी मुद्दत का तायुन नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कम से कम दो या तीन फैसले इस तरह के हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जहाँ इस नौयत की पनिशमेंट हो वहाँ मुद्दत लामतना ही होती है, क्योंकि अगर मुद्दत का तायुन करना हो तो आईन ने ख़ुद करना होता है, कानून ने ख़ुद करना होता है, और अगर आईन या कानून में इस तरह की मुद्दत का तायुन ना हो तो वो इनडेफिनेट मुद्दत होती है, लामतना ही मुद्दत होती है। तो अदालत ने इस फैसले में कहा हो या ना कहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कम से कम दो तीन और फैसले ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की जस्टिस वजीउद्दीन साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे ओवरऑल सारी सूरत हाल पर नैब रेफरेंसेस के हवाले से, खानदान की पेशी के हवाले से कि वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। वो तो पेश नहीं हुए हैं जिसके बाद अब समन भी जारी कर दिया गया है तो डेफिनेटली अब लेट्स सी के अगला जो समन जारी किया गया है उसमें उनकी पेशी होती है या नहीं। आगे बढ़ते चलाम और दुनिया भर से भी खुशखबरें हम शामिल कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी के बाद सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की न्यूयॉर्क में अमरीकी हमनसब और अफगान नायब वजीर खारजा से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उन्होंने ट्रंप पॉलिसी पर पाकिस्तान का मौकिफ वाज़ेह किया। तहमीना जंजुआ का कहना था कि अफगान में अमन के लिए हम सहूलतकार का किरदार अदा करते रहेंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने खबरदार किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी ताकतों के साथ तय पाने वाले जौहरी मुहिदे को खत्म किया तो अमरीका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कही और कहा जा रहा है कि दीगर ममालिक के जितने भी लोग हैं वो ट्रंप को कहेंगे कि वो जौहरी मुहिदा खत्म ना करें ईरान के साथ। जनाब दुनिया भर से तो खबरें हमने देखी है लेकिन कुछ सोशल मीडिया की भी बात कर लेते हैं और बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो आए रोज हम देखते हैं कि वायरल होती हैं और फिर हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो बढ़ते हैं, कितनी जबरदस्त ये वीडियो है, एक्सीडेंट के हवाले से ये वीडियो है। ये वीडियो दिखाने का मतलब है अवेयरनेस के आप जो है गाड़ी और अपनी जो भी ड्राइविंग करते हैं बड़ा केयरफुली करें क्योंकि ये वो जोन है, ये वो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो देखने में भी आते हैं और वजह यही होती है कि इस ओवर स्पीड।
जब आप सामने से आ रहे हैं तो भी ओवर स्पीड में, जो दूसरी तरफ से आ रहा है वो भी ओवर स्पीड में, तो फिर क्लैश होने का खतरा रहता है। और साथ साथ आपने देखे कि वो डॉग्स जो थे वो भागते हुए आ रहे थे, तो इनकी जो हिस होती है बड़ी तेज होती है, इनको पहले से पता चल जाता है कि कुछ गलत होने जा रहा है। तो उसकी वजह से वो देखे अभी गाड़ियां आ रही हैं, टकराई हैं और पीछे से डॉग्स आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हमने कल भी जो है वो अपने शो के अंदर बकायदा तौर पर ट्रैफिक के हवाले से कुछ बात की थी और आईजी एडी भी जो है वो यहाँ पर आए हुए थे ट्रैफिक के, और बहुत सी मुहिम जो है वो ट्रैफिक के हवाले से की जा रही है, क्योंकि आए रोज हादसा भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जनाब अपनी जान की हिफाजत आपसे बेहतर मेरा ख्याल है कोई नहीं कर सकता। तो कहीं पर भी आप जा रहे हैं वक्त पर लेट पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचना जरूरी है। तो बेहतर यही है कि आप जनाब अपनी स्पीड जो है वो हल्की रखें, ओवर स्पीडिंग मत करें, वन व्हीलिंग मत कीजिए जनाब, और बाहर निकले तो हेलमेट पहनकर निकले। गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं तो बिल्कुल ओवरटेक करते हुए बड़ा ध्यान रखें, तो ये चीजें हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो उन चीजों का ख्याल। इसमें मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि चलें आप कहीं जा रहे हैं, दावत पे जा रहे हैं, पांच दस मिनट लेट हो जाए, लेकिन अगर आप गुड मॉर्निंग आज के लिए आ रहे हैं और आपको टाइम से पहुंचना है तो फिर आप थोड़ी ओवर स्पीडिंग करें और जल्दी से तैयार होने के लिए यहाँ बैठ जाए। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, बट डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब यहाँ पर बैरून मुल्क सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए खबर यह है कि वो अपने साथ अब 10,000 पाकिस्तानी रुपए नकद लेकर जा सकेंगे। इस हद में इजाफे से बैरून अक्वावी मुसाफरीन को सहूलत मिलेगी। स्टेट बैंक की जानिब से बजाहिर ये फैसला मुसाफरों के लिए सहूलत का बायस बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में सफर करने के लिए 10,000 पाकिस्तानी रुपए और भारत में 3,000 रुपए साथ रखना काफी होगा। इतनी मामूली रकम तो एक दिन के खाने और दीगर छोटे मोटे अखराजात पर ही खर्च हो जाएगी, फिर बकिया अखराजात के लिए रकम की फरहमी कहाँ से मुमकिन होगी। बिल्कुल, और इस जैसे दीगर मजीद सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमने राब्ता किया है हमारे माशियात हनीफ अजारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सबसे पहले ये बताएगा कि आपके ख्याल में बैरून मुल्क सफर करने के लिए इतनी रकम काफी होगी, मतलब ये लिमिट बढ़ाने का भी क्या फायदा हुआ, इतनी लिमिट बढ़ाने के बावजूद भी ये रकम इतनी कम है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग अगर कहीं पर ट्रैवल कर जाते हैं और वहां पर अखराजात की बात करें तो ये जो है मुनासिब होगा कि 10,000 रुपए आपके पास हों तो वो दैट वुड बी इनफ। तो ऐसा कानून आखिर बनाया क्यों गया है? देखिए, इस कानून को इतना बनाने की प्रायोरिटी नहीं थी। सबसे पहली चीज़ तो ये था कि पहले जो लिमिट थी वो 3,000 रुपये की थी फॉर बैरूनी मुल्क, इंडिया को हटा के इंडिया के लिए 500 रुपये थी। अब इंडिया के लिए 3,000 रुपये कर दी गई और दूसरे मुल्क जाने के लिए 10,000 रुपये कर दी गई। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये पैसे लोगों को अलाउ इसलिए किए गए हैं कि लोगों को जब वापसी वतन करते हैं तो इन पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हम समझते हैं कि उन लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी जो इंटीरियर एरिया में कराची उतरने के बाद या लाहौर या कोई भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट को टच करने के बाद या सी पोर्ट को टच करने के बाद उनको इंटीरियर एरिया में जाना होगा। देखें, ये मुनासिब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने चेक किया हो। मैं काफ़ी दफ़ा गया हुआ हूँ, कभी भी करेंसी के बारे में पूछा तक नहीं है। तो इसकी जो आप समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी कामयाब नहीं होगी। और अगर उस वक्त किसी ने ख्याल करते हुए पकड़ भी लिया तो हम समझते हैं कि डीलिंग बहुत अच्छी इस मुल्क में हो जाती है और वो आदमी आसानी से छूट सकता है। दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि देखिए, पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त हाईली वल्नरेबल है। कोई आदमी अगर एक मंथ के टूर पर जाता है और वो अगर ख़रीदता है 10,000 रुपये रखता है तो वो आज के रेट में $95 हो जाते हैं। एक बंदा जो बाहर ट्रेवल करता है तो वो चाहता है कि कोई यूनिवर्सल करेंसी रखे कि इवन उसको बाहर भी ज़रूरत पड़ सके तो वो उस डॉलर्स को खर्च कर सकता है। तो लोग कन्वीनियंट ये फील करते हैं कि डॉलर ले जाए। देखिए, ये 10,000 की लिमिट बहुत कम है। हम समझते हैं कि कम से कम लोग ले भी जाते हैं, हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि 500 से $1,000 होनी चाहिए बैन अलावी दौरे के लिए। लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है ऑन अराइवल ऑफ द एयरपोर्ट। अगर इंडिया की बजाते वहाँ पे अगर जाके देखें तो पाकिस्तानी करेंसी रखना ज़्यादा डेंजरस है जाकर एज कम्पेयर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। एक परेशानी की सी सूरत हाल है कि कोई अगर इस कानून पर अमल करता भी है तो दूसरे मुल्क जाकर इसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रह जाते हैं, वो कैश कहाँ से अरेंज करेगा।
देखें, एक तो ये चीज़ है कि कुछ लोग बाहर जाते हैं, इनविटेशन पे जाते हैं। जब इनविटेशन पे जाते हैं तो उनका जो होस्ट होता है वो होटल वगैरह का खर्च करता है, या यहाँ से पैकेज लेके जाते हैं तो होटल की बुकिंग वगैरह आप यकीन माने आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है वहाँ। यहाँ से वो होटल की पेमेंट वगैरह सब करके जाता है। वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ही कैन ईजीली गेट द करेंसी इन US डॉलर कन्वर्टेड इनटू द लोकल करेंसी ऑफ दैट कंट्री जितनी उसको ज़रूरत होती है, और वो करने के बाद बहुत ईजीली यूज़ कर लेता है। और बहुत सी कंट्रीज़ में क्रेडिट कार्ड ईजीली यूज़ हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने मॉनिटरिंग की भी बात की थी कि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कानून जो है वो इंतहाई अहम ही है, और इस कानून की खिलाफ वर्जी पर अगर कोई करता है, आप क्या समझते हैं उसकी सजा कितनी हो सकती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कानूनी सजा ये है कि आपके कॉन्फिसिकेट कर लिए जाते हैं पैसे, जितने भी आप लिमिट से ज्यादा कैरी कर रहे हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग, जाते वक्त तो एक आदमी देख सकता है आपने 10,000 की लिमिट कर दी, आते वक्त अगर आप उसको देखेंगे तो क्यों रोकेगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी रुपीज ही यहाँ आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वो इतना वायलेंट है। ठीक है, अच्छा, आपके ख्याल में ये जो कानून बनाया गया है इससे लोगों को काफी परेशानी तो होगी, तो क्या इसमें कोई तब्दीली या बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए, जिस कंट्री के अंदर ओपन US डॉलर अकाउंट खुल सकता हो वहाँ पे किसी कानून की क्या जरूरत है? आप जाके वहाँ ट्रांजेक्शन तो देखिए कितनी होती हैं, पीसे पेमेंट होती हैं, पेमेंट होती है। बल्कि हम अगर आपसे ये कहें कि जितनी अंडर इनवॉइसिंग चाइना से होती है और उसको जो पेमेंट की जाती है क्रेडिट कार्ड से या हुंडी से, उसका तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई लिमिट भी है इस मुल्क में। और फिर वो ड्यूटी भी बचाते हैं और बहुत कुछ होता है। तो एक पुअर ट्रैवलर्स के लिए 10,000 रुपये कोई हैसियत नहीं रखते। हम ये समझते ये कोई बहुत बड़ा चेंज आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ थे माहिर वाशियात, और एक अहम इशू था जिसके ऊपर हमने बातचीत की। और डेफिनेटली अब डिपेंड करता है कि ये जिस तरह का कानून बनाया गया है इसके ऊपर, कानून तो हमारे पास वैसे भी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कितना होता है, ये बड़ा अहम है। खैर, समय लेंगे यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं बचाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब, अब आपको बताया कि कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस असाजा और सिंध रिजर्व पुलिस के जो है वो बरतरफ एहलकारों पर एक कयामत सी टूट पड़ी थी। मुजाहिरीन की लाठियों से खाते तवाजे की गई और उन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जबकि पुलिस तशद्दुद से 3 खवातीन भी जख्मी हो गई। 20 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। कल कराची प्रेस क्लब के बाहर दिन भर मैदान जंग जैसी सूरत हाल थी। पुलिस ने तनख्वाहें मांगने वाले असातिज़ा की धुलाई की। तनख्वाहों से महरूम असातिज़ा ने कहा कि सेक्रेटरी तालीम से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। इसके बाद खुद सोजी की कोशिश करने पर अपने ही पेटी भाइयों सिंध रेजर पुलिस के बरतरफ एहलकारों पर टूट पड़ी। वाटर कैनन और लाठी चार्ज का भरपूर इस्तेमाल किया। खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें बिला जवाज बरतरफ किया गया है। 2 साल से बरतरफ एहलकार हमारे घर में फाका कशी गुजार रहे हैं। हमारे साथ ना इंसाफी की गई सर, अभी तो हम अखराजात भी अपने पूरे नहीं किए, अब हम खुदकुशी फाका कशी करने के शिकार में हो गए। पुलिस ने खुदसोजी की कोशिश करने वाले एहलकार को हिरासत में ले लिया। इस सूरत हाल पर बरतरफ एहलकार मुश्तइल हो गए और पुलिस से झड़प शुरू हो गयी। बरतरफ SRP एहलकारों का कहना था कि उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा था, किस तरीके से इन असातिज़ा को पीछे धकेला जा रहा था, किस तरीके से इनकी तस्लील की जा रही थी। वहाँ पर फीमेल टीचर्स भी मौजूद थी, वहाँ पर मेल टीचर्स भी मौजूद थे और ये मुतालबा ये कर रहे थे कि इनकी 5 साल की जो तनख्वाह है वो इनको नहीं दी गई है, इनके कुछ रिक्रूटमेंट के इशूज़ हैं, इनके कुछ अंदरूनी मामला हैं जिनको हल करना चाहिए। लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो ये मामला अभी नया नहीं है, ये मामला पुराना मामला है। इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरीके से असातिज़ा ने एहतजाज किया है अपनी तनख्वाहों के लिए, अपने हुकूक के लिए। तो जिस मुल्क में ये हाल हो असातिज़ा का, जिस मुल्क में एक टीचर की अहमियत हो कि उसके लिए वहाँ पर पुलिस आए और उसको पीछे धकेले, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, लाठी चार्ज किया जाए, उनके साथ में बदकलामी की जाए, बदतमीज़ी की जाए, तो फिर इन असातिज़ा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या असर जाएगा, हम इस सोसाइटी में क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या हम एक लेसन दे रहे हैं तमाम लोगों को। तो इसी हवाले से आज हमने शो में भी ओवरऑल बात की और आपको एक तफसीली रिपोर्ट भी दिखाई। अभी यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ब्रेक के बाद ज़बरदस्त से हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे जिनका ताल्लुक है पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड से, और इसमें हमारे पास आज वो बैंड आ रहा है जो आज़ाद कश्मीर से बैंड है और जिसने विन भी किया है, तो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि अब आपको एक विनर टीम से मिलवाएंगे बैटल ऑफ द बैंड पेप्सी का, ये जो एक चल रहा था एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर डिफरेंट बैंड्स ने जो है वो परफॉर्मेंस दी और फाइनली कश्मीर बैंड जो है वो इससे जीता है। तो आज वही बैंड हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में भी मौजूद है। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा जनाब, हमारे साथ हैं बिलाल अली, उस्मान सिद्दीकी, वैस खान और शेन एंथनी। सबके नाम याद करना बड़ा मुश्किल था। बिलाल, सबसे पहले तो आपसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का, ओवरऑल जो विनिंग एक फील है वो किस तरह की है सर? अच्छा, जीतने की जो खुशी और जो फीलिंग है वो उसका अब तक एहसास और वो अब तक सिंक इन नहीं हुई है और ये मैं पूरे बैंड के लिए कह सकता हूँ क्योंकि और ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका एक बहुत ही बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और काफी मतलब अब तक आप फील कर रहे हैं उस पूरे गोले कोस्टर राइड था, काफी इमोशनल, स्ट्रेसफुल और साथ में बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला। सही, मतलब रोज कुछ सीखने को मिलता था, टाइम मैनेजमेंट, आपको कम वक्त में गाने कैसे बनाने हैं, और हम लोग सबकी एज फ्रेंड्स और एज हम लोग पूरी फैमिली थी वहाँ पे, जो भी सारे बैंड्स थे वहाँ पे, जितने भी म्यूजिशियंस थे, जो भी थे, ऑडियो टीम, प्रोडक्शन टीम, हम एक फैमिली की तरह बन गए थे। भाई ऐसे ही तो नहीं कहा उन्होंने कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड वाकई एक बड़ी बैटल थी। अच्छा उस्मान, आपके बारे में अभी बिलाल बता रहे थे कि आप फाउंडर हैं इस पूरे ओवरऑल बैंड के, तो आपने कैसे सोचा, क्या आपके पास आइडियाज थे? पहले से तो आप फ्रेंड्स थे लेकिन फिर भी जब आप काम करते हैं एक टीम की सूरत में, बैंड की सूरत में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो दिमाग में रखना पड़ता है, यार ये बंदा ये कर सकता है, ये बंदा, तो कैसे फिर ये आपने फॉर्मेशन की इसकी? देखिए फॉर्मेशन के टाइम इट्स लाइक 5 साल हो गए, 4 साल हो गए तकरीबन। अच्छा माशाल्लाह। जी हम लोगों ने स्टार्ट, जी बैंड को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अच्छा लाइनअप हम लोग का थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा लाइनअप चेंज हुआ है, लाइनअप चेंज हुआ था। बैक देन हमारे दूसरा वोकलिस्ट था जो हम दोनों का बचपन का दोस्त है। अच्छा, तो हम लोगों ने इस तरह हम लोगों ने शुरू किया था। बेसिकली जैसे होता है ना, दोस्त बैठे हुए होते हैं, यार तुम गिटार बजा रहे हो, अच्छा तुम गाना गा रहे हो, चलो यार कुछ करते हैं। तो मतलब बिल्कुल इस तरह हम लोगों ने अपने घर के बाहर ही बैठ के शुरू किया। हमारे, मैं कह सकता हूँ, हमारे दोस्त बहुत अच्छे थे कि हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे कि नहीं यार तुम लोग तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। एक तो दोस्तों की जो दोस्ती होती है वो अपनी जगह, लेकिन जिनके साथ आप काम कर रहे होते हो वो आपके साथ कॉपरेट करें, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। और जब आप एक वर्किंग एनवायरमेंट में काम आते हैं, जैसे अब है, अब हम लोग फील करते हैं कि हम दोस्त तो है बहुत अच्छे, लेकिन अब जब हम लोग जैम कर रहे होते हैं तो वो दोस्ती हम साइड पे कर देते हैं। वो ऑब्वियसली प्रोफेशन, जब आप इसको लेके जा रहे हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड आपने रखा हुआ है, तो दोस्ती ना मतलब कहीं ना कहीं जाके उस प्रोफेशनल एटीट्यूड को खराब भी कर देती है और ऑब्वियसली ये बात ठीक है। अच्छा बस आपकी जानिब आएंगे और ऑब्वियसली आपसे अगर मैं ये बात करूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार परफॉर्मेंस कौन सी थी, तो वो वही होगी जिसमें आप जीते होंगे, जो आपकी विनिंग परफॉर्मेंस होगी। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको बड़ी याद रही हो, जिसमें काफी नर्वसनेस हो कि जी हम अब स्टेज पर परफॉर्म करने लगे और यार ये हो क्यों नहीं रहा, ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है। हम लोग गए थे डेंजर जोन में द फर्स्ट टाइम, मतलब लिटरली ऐसा हो रहा था कि हम पहली दफा परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग के हार्ट फुल पंप हो रहे हैं, तो वो काफी नर्व रैकिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम लोग ने सही परफॉर्मेंस दी है, इंटीजर जोर से बाहर निकल गया। ठीक है। अच्छा शेन भी हमारे साथ बैठे हैं, आपकी जो ग्रुप है उसके दो लोग मौजूद नहीं है ना यहाँ पे, दो लोग मौजूद नहीं है। ठीक,
ठीक है. अच्छा शेन, ये बताइए कैसा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा? आपने प्रोफेशनली पहली दफा यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में विन किया, क्या क्या सीखने को मिला और कितनी लड़ाइयाँ हुई ये बताएं. लड़ाइयाँ तो बहन जो लड़ाइयाँ ना हुई हो नहीं सकता. असल में लोग समझते कि बहुत ज्यादा राइवलरी है हमारा, मगर बैक स्टेज आपस में सारे म्यूजिशियंस ही हैं और वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. अच्छा, जैसे सारे बैंड से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है हमें. और राइवलरी सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी नहीं थी. सही. इवन फाइनलिस्ट तक बदनाम, देयर आर गुड फ्रेंड्स लाइक वी गो आउट विद देम एंड स्टफ. ऐसा तो नहीं था वो गिटार लेके उधर मुंह करके जा रहा है, वो गिटार लेके उधर मुंह करके जा रहा है. हम लोग ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि म्यूजिक जो है वो आप हर शख्स को एक साथ ब्रिंग कर लेता है, राइट? अच्छा, वो आपका विनिंग सॉन्ग कौन सा था जिसपे आप लोगों ने परफॉर्म किया? और मैं चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा सा प्ले करके भी बताएं. एक गाना था हम लोग का कागज का जहाज, ओरिजिनल था हम लोग का, राइट? वो उसपे हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, तो हमारे दिल के और भी ज्यादा. हम पहले बता दें हमारे यहाँ पे इस वक्त आए भी लग रही, हम खड़े नहीं हो सकते लेकिन जरूर आपसे परफॉर्मेंस हम सुनना चाहेंगे. चलें जी, लेट्स स्टार्ट. चलें जी, कश्मीर बैंड इज गोइंग टू परफॉर्म नाउ. जहाज और इतने जबरदस्त आपने लिरिक्स लिखे हैं, कितने दिनों में आपने लिखे थे, कितने घंटों में लिखे थे? वैसे ये गाने को इस तरह बात करते हैं कि पता नहीं, एक रेवलेशन है शायद. बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है. क्योंकि ये मतलब जैसे मैं देखता हूँ बिलाल जिस तरह लिरिक्स लिखते हैं, ये पता नहीं इसलिए एकदम से ये गा रहा था, गुनगुना रहा था और इसने कहा ये चेक करते हैं कैसा लगेगा. और इसने मतलब पहली वर्स इसने एक लाइन लिखी, वैस ने बनाई थी ये रिफ जो है. अच्छा, तो ये बैठा बस बजार था, कहते ये सुनो और इसने ये जैसी बजाई तो मेरे दिमाग में और कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कागज चल रहा है. आपकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी. दूसरा, जिस तरह से आप लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, मेरा ख्याल है सुनने वाले भी सब लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे थे. लेकिन ये सिलसिला हम यहाँ पर नहीं रोकेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, फिर आपसे आके बहुत से और सॉन्ग भी सुनेंगे. स्टे विद अस. Welcome back to Good Morning Arts. तो जनाब, पेप्सी ने मौसीकी के मैदान में कदम रखने वाले नए गुलकारों की हौसला अफजाई की और उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जहां वो अपनी गुलकाराना सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं. जी हां, बात कर रहे हैं पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड की, जो एक ऐसा रियलिटी शो था जिसके लिए मुल्क भर से सैकड़ों ऑडिशन वीडियोज मौसूल हुई, जिनमें से 36 बैंड को ऑडिशन के लिए बुलाया गया. इनमें से 8 बैंड को शॉर्टलिस्ट करके परफॉर्म करने का मौका दिया गया और 8 हफ्तों के मुकाबले के बाद एक बैटल ऑफ द बैंड का फातिह करार पाया. यहाँ हम
आपको ये भी बताएं कि इस मुकाबले को मारूफ गुलकार आतिफ असलम, गुलकार मीशा शफी, फवाद खान और शाहिद हसन और फारूक अहमद ने जो है जज किया। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है इस रियलिटी शो के विनर। आप लोग जानते हैं कि अभी कश्मीर बैंक बातें कर रहे थे और बड़े जबरदस्त से गाने भी हम सुन रहे थे। अच्छा, आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, आप डेफिनेटली इसके और भी नए सीजन आएंगे और बहुत से आप लोगों को देख के इंस्पायर होंगे लोग और चाहेंगे कि हम अपना बैंड भी जो है वो यहाँ पर लेकर आए। कैसा समझते हैं ये प्लेटफॉर्म, कैसा रहा उन तमाम लोगों के लिए जो म्यूजिक से लगाव रखते हैं, म्यूजिक में आगे कुछ करना चाहते हैं, कितना अहम इस प्लेटफॉर्म को आप कंसीडर करते हैं? ये एक बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम भी इससे पहले म्यूजिक कर रहे थे। अच्छा। और हम उससे पहले भी ओरिजिनल्स बनाते थे जो अभी आपको गाने सुने, और जो पेप्सी बॉटल ऑफ द बैंड हमने काफी गाने किए हमारे, मतलब हमने पहले से वो गाने कुछ रिलीज भी किए और हमने पहले से बनाए हुए हैं। बट ऑब्वियसली जब पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में आया तो हमें लोग जानने लग गए। उससे पहले आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि इतना ज्यादा बड़े लेवल पे आपको लोग जाने, रिकॉग्निशन आपको मिल जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, कश्मीर बैंड के हवाले से मैं बात कर रही थी आपके, जब आके आप बैठे थे तो मैंने पूछा था ये कश्मीर बैंड जो है नाम किसने रखा है इतना जबरदस्त है, इसके पीछे स्टोरी क्या है कश्मीर बैंड के पीछे, ये आप सब क्यों हंस रहे हैं? आप भी हंसेंगे जब हम आपको बताएंगे। बेसिकली हुआ ये था कि हम लोग का एक हमारा ड्रमर था, वो हिस्ट्री चैनल या नेट जियो वगैरह देख रहा था। हाँ। तो उसने बहुत ही खतरनाक सा नाम ले आया। अच्छा। अब उस नाम की बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, क्यू यू एस ए आर एस, और उसकी प्रोनाउंसिएशन है क्विजार्स, क्यू यू एस ए आर एस, सही है। ओके, अब हमारे साथ होता ये था कि हम लोग स्टेज पे जाते थे, अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, और वो हमें लिटरली इसी तरह चेयर कर रहे हैं, सर सर। अच्छा। तो मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हमें चेयर कर रहे हैं, मतलब क्या मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, क्या सीन है, कुछ खुश नजर आ रहे हैं, मतलब हेडबैंग कर रहे हैं, कॉसर कॉसर वाला सीन चल रहा है, बैंड खुद परेशान हो गया ये कॉसर बैंड कौन सा परफॉर्म कर रहा है। उस टाइम हम लोगों ने एक हमारा ओरिजिनल था रानी कश्मीर। अच्छा। अच्छा, खैर उस गाने में कश्मीर और कश्मीर की खूबसूरती के उस पे रानी कश्मीर हमने गाना किया था। तो उस टाइम फिर उस गाने को रिलीज करने से पहले हमें लोगों ने कहा कि यार तुम्हें अपना नाम, ऑब्वियसली अब तुम लोग कमर्शियल मार्केट में आ रहे हो, तुम लोग का नाम अपना ऐसा लेके आना है जो लोगों को समझ में आ जाए, कौसर नाम बने एटलीस्ट। तो फिर आप ऐसे करते हो, फिर हम लोगों ने काफी, मतलब मैं, वैस, मुजाहदे और मशद जो हमारे उस टाइम दोस्त, हम बैठे रहे काफी, हम लोगों ने कोई दो घंटे लगाए, इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करी, पता नहीं रहा है बिस्मिल तो पता नहीं क्या, पर्शियन ये वो, कुछ समझ नहीं आया जब हमने, तो हमने कहा यार वैस कश्मीर क्यों नहीं। हाँ, कश्मीर क्यों नहीं, क्यों नहीं? मतलब कश्मीर भी हमारा ही एक हिस्सा है, पाकिस्तान हमारा है, पर एट द सेम टाइम आपका जो म्यूजिक है, जैसे हम जो म्यूजिक करना चाहते हैं, हम खूबसूरत म्यूजिक करना चाहते हैं कि लोगों को अच्छा लगे। डायरेक्ट लिंक अप, आप कश्मीर के बारे में जब आप भी सोचेंगे, अभी मैं कश्मीर का नाम ले रहा हूँ, I'm sure हमारे बैंड से पहले आपके दिमाग में वो खूबसूरती और वो वादियाँ वो सारी चीजें आ रही होंगी। जबरदस्त प्यारा है, विश यू ऑल द बेस्ट, आगे आप लोगों के जो भी प्लान्स है, और जाते जाते हम आपसे सॉन्ग भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने तमाम व्यूअर्स को अल्हाफिज़ बाय भी बोलना चाहेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल पर, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई टॉप स्टोरीज के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। बिल्कुल, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। इस गाने का नाम बुड्ढा बाबा और ये अंधेरे से डर के बारे में। बुड्ढा बाबा। सो जाओ रोको ना।